शुरुआत में हर नई चीज नामुमकिन लगती है। एयरप्लेन के इन्वेंशन से पहले क्या हमने सोचा था कि इंसान किसी दिन हवा में उड़ पाएगा? फिर चाहे मीलों दूर होने के बावजूद हमें एक दूसरे से जोड़े रखने वाला टेलीफोन ही क्यों ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन। आई ट्रूली बिलीव साइंस हैज नो लिमिट। सो यू मीन टू से दैट इस प्रोसेस में डोनर एक आदमी होगा, रिसीवर दूसरी औरत, और कोक में पालने वाली माँ कोई और होगी? क्या ये सच में मुमकिन होगा? ऑफ कोर्स मुमकिन है, और अगर ये रिसर्च कामयाब हुई तो मार्क माय वर्ड्स, किसी भी माँ बाप को बिना औलाद के नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन सर उस बच्चे में तो उस तीसरी औरत का खून होगा ना, देन व्हाट अबाउट द ब्लड लाइन? ब्लड लाइन, डॉक्टर पिल्ले, इतिहास गवाह है सगे भाइयों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। बेटे ने बाप को तख्त के खातिर कैद किया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका अपना खून परिवार की परंपरा का पालन करेगा या फिर उसे समाज में एक अच्छा इंसान बनाएगा। मैं हूं डॉक्टर रॉय जमनादास। यह आश्रम मेरा नहीं है, लेकिन बचपन से यही मेरा घर रहा है, और वो है जॉय, जॉय जमनादास। मैं और जॉय हमारे बैच के सबसे अनलकी बच्चे थे, कभी अडॉप्ट नहीं हुए। अब इस आश्रम और इन अनाथ बच्चों की देखरेख हम लोग मिलकर करते हैं। रॉय, ए जॉय, तेरा यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस कैसा रहा? वही पुरानी बातें। क्या बात है, तुम बड़ा खुश लग रहा है। मिस्टर एंड मिसेस शेरॉय और देव चौहान ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गोद लेने के लिए तैयार हो गए। ओह दिस ग्रेट न्यूज़ जॉय, ये दोनों जुड़वा ए स्क्वायर, ये दोनों भी जुड़वा बी स्क्वायर। कुछ दिन पहले कोई इन्हें आश्रम के गेट पर छोड़कर गया था, लेकिन अब खुशखबरी ये है कि इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए हमें दो बहुत ही अच्छे परिवार मिल गए। लेकिन फिर मुझे एक आइडिया आया कि सिर्फ यही बच्चे थे जो दुनिया के सामने मेरी थियरी को प्रूफ करने का जरिया बन सकते थे। ये तो क्या कर रहे हैं रॉय? अभी से ये दोनों बैंगलोर में सगे भाई की तरह रहेंगे, और ये दोनों ऊटी में सगे भाई की तरह। तू जुड़वा भाइयों को अलग कर रहा है? कहीं तेरी उस थियरी का तो चक्कर नहीं है? ये गलत है रॉय। जॉय, जॉय एक मिनट मेरी बात तो सुन प्लीज। जॉय, एक खून के ना होते हुए जब वो एक ही परिवार में बड़े होंगे, सगे भाइयों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करेंगे, काबिल होंगे, होनहार होंगे, तब दुनिया को मेरी बात समझ आएगी कि मायने खून के नहीं, सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। तो फिक्र मत कर, मैं उन पर खुद नजर रखूंगा, और जैसे ही वो लोग 28-30 साल के होंगे मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। और जब 30 साल बाद उनको पता चलेगा कि तूने उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो क्या गुजरेगी उन पर? तो फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अब क्या सोच रहे हैं? यही कि 30 साल बाद तू होगा भी या नहीं। देखा क्या कह रहा है, पहली जोड़ी को गोद लिया मिस्टर एंड मिसेस शेरॉय ने, जो बैंगलोर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और दूसरी जोड़ी को गोद लिया देव चौहान ने, जोड़ी में खुद का सर्कस चलाते थे और मेरे पुराने पेशेंट भी थे। लेकिन कमाल तो अब हुआ, हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी आप दोनों की वजह से मिली है, इसीलिए इन दोनों के नाम आप दोनों के नाम पर रखेंगे, रॉय और जॉय। रॉय और जॉय, पर देखते देखते 7 साल बीत गए। बच्चे भी अपने नए घरों में बहुत खुश थे। मैं उनसे रेगुलरली मिलता रहा, अपनी केस स्टडी को और भी स्ट्रांग बनाता रहा। लेकिन फिर एक दिन
हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि रॉय पर इलेक्ट्रिक करंट का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ठीक 2 मिनट पहले बैंगलोर वाले रॉय के साथ क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए। जब तुमने उस तार को छुआ, तुम्हें बिल्कुल कोई इलेक्ट्रिक करंट महसूस नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहूं डॉक्टर साहब, हम सब हैरान हैं। कब हुआ ये? कल दोपहर करीब 2 बजे। 2 बजे? हाँ ठीक 2 बजे। पहले मुझे लगा ये शरारत कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ, ऐसा करंट लगा मानो 440 वोल्ट हो, बिजली दौड़ रही थी इसके अंदर। बेटा तुम्हें कुछ याद है रॉय? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे रॉय के साथ? मिरेकल, एक रॉय पर लगने वाली इलेक्ट्रिक करंट का असर दूसरे रॉय पर दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? और क्या कहेंगे इसे? कुदरत का करिश्मा और क्या। बट बोथ द रॉयज आर ट्रूली स्पेशल जॉय। देव और उसकी पत्नी एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। उसी वक्त रॉय और जॉय ने सर्कस की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने का फैसला लिया। सर्कस का फिनाले एक्ट बनाया, लेकिन वो अब तक इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द ऊटी में लोग उसे इलेक्ट्रिक मैन के नाम से जानने लगेंगे।
यहाँ रॉय ने तो ऊटी में कमाल कर दिया, लेकिन ठीक 2 मिनट पहले बैंगलोर वाले रॉय के साथ क्या हुआ वो भी देख लेते। अरे रॉय, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। ये रही कर्नल विक्रांत की लेटेस्ट थ्रिलर नॉवेल की पहली कॉपी तुम्हारे लिए। थैंक यू एनी। अरे पागल है क्या, मुझे शौक नहीं चाहिए। इट्स ओके एनी, हर बार थोड़ा झटका मारते। देखा ना क्या हुआ, तेरी बेवत के झटकों ने ना पूरी की पूरी लाइब्रेरी हिला दी। और वो बेचारी एनी, अरे यार मैंने जेन्युइनली सॉरी बोला उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्नल विक्रांत की नई नॉवेल की पहली कॉपी एक बार फिर मुझे मिल गई। तुझे पता है मेरा ड्रीम क्या है, कि एक दिन मैं कर्नल विक्रांत से मिलूं और और उसका असली नाम है माला। दरअसल नॉवल फ्लॉप होने के डर से माला ने कर्नल विक्रांत जैसे काल्पनिक नाम का सहारा लिया, मगर अब नॉवल हो गई हिट और कर्नल विक्रांत हो गए फेमस। लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, माला का देवर ही उसका सबसे बड़ा फैन था। माला, देखो तुमसे मिलने कौन है। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अरे बस बेटा खुश रहो। कैसे हो आप अंकल? गुड गुड गुड। कैसी चल रही है राइटिंग? बहुत अच्छी। आज ही मेरी नई नॉवल मार्केट में आई है। और तो और पूरी 1000 कॉपीज बिक चुकी है। भाई वाह। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। खाना तैयार है, आइए ना। हम भी फ्रेश होकर आते हैं। ठीक, आए। अंकल आपको याद है ना, आज रॉय से बात करनी है। हाँ बेटा, थैंक यू। कल ही 4 रोटी खाएगा और ले ले। नहीं चाची, वो मैं डाइट पे हूँ ना। भाई रॉय, तुम्हारी और माला की शादी की 5वीं सालगिरह है। क्या सोचा, क्या गिफ्ट दोगे? मैं सोच रहा हूँ। वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी माला ने सॉल्व कर दी है। अच्छा। हाँ, वो चाहती है तुम दोनों मेरे साथ बैंगलोर चलो, जमुना दासानाथ आश्रम। तो ये बात है। I'm sorry, पर मैं बच्चा गोद नहीं लेना चाहता। लेकिन रॉय, मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। माला, सब ठीक ही तो चल रहा है, तुम्हारे नॉवेल्स, हमारा सर्कस, फिर बार बार ये जिद क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्यों। माला, माला। बेटा तुम माला की बात मान क्यों नहीं लेते? अंकल मेरा ये मानना है कि इंसान का चरित्र उसके अपने खून से बनता है। अब मुझे और जॉय को ही ले लो। बाबूजी जो सर्कस छोड़ गए, जॉय और मैंने दिन रात देख करके, मेहनत से, लगन से, कष्ट से के उस सर्कस के कारोबार को दुगना किया, तिगना किया। बाबूजी के शहर में जो इज्जत थी उसे आज तक बरकरार रखा। क्यों
क्योंकि हमारा खून एक है। अब मैं एक गोद लिए हुए बच्चे से ऐसी सच्चाई की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? वो तो किसी और का खून है, मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे सपनों को भी उसी तरीके से देखेगा जिस तरह मैंने अपने बाबूजी के सपनों को देखा था? आप डॉक्टर हैं, सोच रहे होंगे ये कैसी बातें करता है, पर मेरा तो यही मानना है, अपना खून आखिर अपना होता है। चलो ये सब बाद में बात करेंगे, पहले जाके उसे मनाओ, समझाओ। लेकिन बहुत जल्द जान जाएगा कि रिश्ता खून से नहीं परवरिश से बनता है। मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? जानती हो मुझे तुम्हारे साथ लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी तरह से जानते हो, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। मैं कभी मां नहीं बन सकती। हम मां बाप नहीं बन सकते ना सही। दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, वो भी तो खुश है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ रॉय, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम भी तो जानते हो कि मैं बिना सोचे समझे ऐसी इज्जत नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे साथ ऑर्फनेज चलो, उन बच्चों को देखकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, बस एक बार। ठीक है, हम एनिवर्सरी वाले दिन जमुना दास ऑर्फनेज जाएंगे। बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं। डॉक्टर अंकल मीठा तैयार है। आया बस। देखा कैसे झट से वादा कर दिया, अब वो वादा निभाएगा या नहीं ये पता नहीं। वैसे वो बैंगलोर वाला रॉय भी इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं है। बिंदु से मिलने का वादा कर दिया लेकिन हमेशा की तरह लेट। सॉरी, आप लोगों को बिंदु से मिलवाया नहीं है, है ना? अभी मिलवाता हूँ। म्यूजिक।
ये डोर पुरानी एक अपनी कहानी 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 से कहना राय साहब कल घर आएंगे आएंगे बस
दरवाजा खुला रखे। दरवाजा खुला रखे क्यों? क्यों? क्योंकि अब मैं डोर बेल बजाने के काबिल नहीं रहा। एक बात बोलू राय साहब, लड़का तो अच्छा है, खानदान भी ठीक ठाक है। हम खाम खा उस पर शक कर रहे थे। हमारी ब्यूटीफुल आईज धोखा नहीं खा सकती प्रेम, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने रॉय को ऊटी में देखा है किसी और लड़की के साथ। लेकिन हो सकता है आपकी ब्यूटीफुल आईज आपको इस बार धोखा दे रही हो। अब धोखा है या हकीकत ये तो मैं पता लगा लूंगा, पर सबसे पहले इस पापी की मम्मी शकुंतला देवी से तो मिलते हैं। वैसे रॉय को देख के लगता नहीं कि वो इतने बड़े घर में रहता होगा। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके बाप होंगे। आइए। Was this a compliment? Maybe this way. चलो। By the way, इस सिगार की कीमत जानती हैं आप? It's priceless. मेरी बचपन की सहेली रानी ऑफ इंग्लैंड ने इसे खास मेरे लिए लंदन से भेजा है। Wanna try? बिंदु क्या कह रहे हैं तुम्हारे डैडी? I'm sorry. Entire group मुझे राय बहादुर के नाम से जानता है। वैसे क्या नाम है आपका? Of course, राय बहादुर. She's trying to be funny and cute. Cute तो आपकी बेटी बिंदु है। रॉय जब भी उसके बारे में बात करता है रुकने का नाम ही नहीं लेता है ना। बिकॉज ये वो बिंदु है जिसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, डायरेक्ट कॉमा। पर प्यार करने के पहले एक बात जानना जरूरी है कि लड़का और लड़की के खानदान में फासला कितना है। बट ये बात इन बच्चों को कौन समझाए? शकुन शुक्ला जी, शकुंतला जी। और जिस फासले की बात आप कर रहे हैं, इन बच्चों को रहने दीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कितना फासला? उतना ही फासला जितना अमीरी और रईसी में है। हैरानी की बात ये है कि एक ही शहर में रहते हुए हम कभी फेस टू फेस नहीं हुए। वाह! क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें समझा कर गए हैं कि मिलना जुलना अक्सर बराबरी वालों के साथ ही रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज बहुत दुखी होंगे सब। माँ, How rude! बिंदु हमें पसंद है, बस एक बार कुंडलियां मिल जाए तो शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। Okay, then. कल ही मैं अपने प्री हिस्टोरिक पंडित ढोलू को बुला लेता हूँ। नहीं अंकल, कल नहीं। कल में क्या प्रॉब्लम है बेटा? दरअसल हम एक जरूरी काम से ऊटी जा रहे हैं। ऊटी? इनको क्या हुआ? नहीं, ऊटी नाम से इसे याद आया कि कल इसे भी ऊटी जाना है। मैं कल ऊटी जा रहा हूँ। ऊटी जा रहे हो? ऊटी? आपको वहाँ क्या काम है? दरअसल मेरे चाचा चाची ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपके चाचा चाची ने बिस्तर पकड़ा है, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। बेटा वही ऐसे, इसके कहने का मतलब है चाचा चाची बीमार है इसलिए इसे ऊटी जाना है और तुम लोग के साथ चला जाएगा तो खर्चा बचेगा। ठीक है, तो कल रात 9 बजे आप अपोलो थिएटर के बाहर मिलना, फिर साथ चलेंगे, ठीक है ना? नमस्ते शकुंतला जी। आपको एक खुशखबरी देनी थी डॉक्टर साहब, रॉय की शादी तय हो गई है। मुबारक हो, दैट्स सच ग्रेट न्यूज। वैसे है कहाँ रॉय? डॉक्टर साहब, रॉय और जॉय अभी अभी ऊटी के लिए निकले हैं। ऊटी? ऊटी क्यों? किसी टी स्टेट की डील के सिलसिले में जा रहे हैं। ऊटी कैसे, मतलब कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं डॉक्टर साहब, बस अभी निकलेगी कुछ ही देर में ट्रेन। लेकिन हुआ क्या है? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, प्लीज। थैंक यू। सच आपको पता है, मुझे पता है, उन चारों को नहीं। हे भगवान,
ऐसे में अगर उन चारों का आमना सामना ऊटी में हो जाता है तो सिचुएशन को संभालने के लिए मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है शकुंतला देवी का बेटा आपकी शक्ल की वजह से आपको बेवकूफ समझ रहा है। It's possible. Yeah, it is. लेकिन हमें उसके ऊटी वाले सीक्रेट का पर्दाफाश करना होगा। प्रेम तुम एक काम करो, जी। मेरी गाड़ी लेकर के इसी वक्त ऊटी के लिए रवाना हो जाओ और किसी भी हालत में उसकी असलियत मालूम करो। मालूम तो चले ऊटी में वो क्या खिचड़ी पका रहा है। What he's cooking. क्या सोच रहे हो मेरे ऑनेस्ट पपी?
कुछ नहीं, खिचड़ी के बारे में। इट्स माय फेवरेट। और अगर ऊपर से घी डालकर अचार पापड़ और लाल मिर्च का तड़का। यू लो सोसाइटी, मूव योर बम, जाओ। खिचड़ी सोच रहा है। चेक मेट। चलिए हम लोग चलते हैं, अभी अगला स्टेशन आएगा तो हम उतर के हमारी बोगी में चले जाएंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर योर म्युनिसिपैलिटी। पार्डन मी, हॉर्स मेंटेलिटी, हॉस्पिटैलिटी, मोमो भाई हॉस्पिटैलिटी। चल गुड नाइट मोमो भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बाय। मैंगो चिकी, अब बस उनके सोने का इंतजार करना है। माला और रॉय कहाँ है? फोन पे है सर। आया
अच्छा रॉय से कहना मैं बाद में मिलता हूँ। चल चल बात हो गई। रॉय तू यहाँ किसी पुलिस वाले को जानता है क्या? नहीं। क्यों? पता नहीं एक पुलिस वाला था, मुझे भी जानता है तुझे भी जानता है। पुलिस वाला? हाँ। ये छोड़ तू किसी माला को जानता है क्या? माला कौन है? उसकी बहन है। पुलिस वाले की? हाँ। पुलिस वाला यहाँ ऊटी में हम दोनों को जानता है? हाँ। चल सामान उठा चल। एक बात बोलू बुरा मत मानना, तू ना शक्ल से ही बोल रहा है, वरना तू ही सोच अनजान शहर में अनजान आदमी तुझसे बातचीत करने में क्यों लग जाएगा। अरे रॉय बाबू कैसे हैं आप? टिकट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों को शो देखकर बहुत मजा आया। I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? शायद दाढ़ी निकाली इसलिए। फिर मिलते हैं। अजीब शहर है यार, खामखा लोग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा था ना तुझे, अब किसी से ज्यादा बात नहीं करें ठीक है? चल भाई साहब टैक्सी खाली है? हाँ बाबू, बताओ कहाँ ले चलो। आपको क्यों बताए है क्या? रॉय अगर हम इन्हें बताएंगे नहीं कि हमें कहाँ जाना है तो ये लेके कैसे जाएंगे? भाई साहब आपको सेंचुरी होटल मालूम है? हाँ मालूम है बाबू। बस वही ले चलिए। लाइए सामान। ये मैं रख लूंगा, आप बोल लीजिए। आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे आपके बैग में लाखों रुपए हों। जो मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, तू ही सोच। पहले ट्रेन में वो चोर मिले, फिर यहाँ पहुंचते पुलिस वाले ने तुझे पहचान लिया, डीसी ने मुझे पहचान लिया, अब इसे कैसे पता बैग के अंदर क्या है? मुझे लगता है ये सारे मिले हुए हैं और किसी बड़ी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। एक काम करते हैं, ये टैक्सी बदल लेते हैं। अरे बेचारा सामान रख चुका है, तू भी खामखा। चलिए बाबू सेंचुरी होटल। हाँ हमने आपको बताया ना हम वहाँ जा रहे हैं, पर वहाँ रुकेंगे नहीं। अरे बाबू कौन कितना रुकेगा, कौन कब निकलेगा, सब नागमणि को पता है। नागमणि कौन है? मस्सा। सस्ता वाला होटल दिखा दूं। हेलो, हमारी यहाँ बुकिंग है रॉय और जॉय शिनॉय के नाम से। जी। अरे कहाँ है, मिली कि नहीं? लीजिए, आप बाहर भूल गए थे। अच्छा जॉय यहाँ पे साइन कर दीजिए। हाँ मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ओ भाई साहब कोई गन लेकर यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे होटल के मालिक हैं। होटल सेंचुरी में थारा स्वागत से। एक बात पूछूं भाई साहब, मन ने थारे को कहीं देखा से? मैंने भी आपको कहीं देखा है। अरे मन ने तो थारे को भी कहीं देखा से? मैंने भी आपको कहीं देखा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब एक बार ऐसे करके दिखाना। ओ
रोए बैठे जो ये कटे पकड़ना आपने एक बार गन तानो एक मिनट पहचाना बगीरा डाकू बगीरा डाकू बगीरा डाकू वाओ रोए हमने भी अखबारों में देखा है चाचू चाचू क्या मैं आपको चाचू बुला सकता हूँ जॉय आपने होटल खोल दिया बेटे डकैती छोड़ के हमने होटल खोल लिया है और हाँ हमारे ग्रुप के सारे साथी इसी होटल में काम करे से नाउ वी लिव रिस्पेक्टेड एंड पीसफुल लाइफ हाउ लवली चाची नाश्ता खिला दो भूख लग रही है इनका झगड़ा तो खत्म होने दे अरे इनका तो चलता रहेगा गुड मॉर्निंग चाची गुड मॉर्निंग जॉय क्या हो रहा है अरे वो रॉय ने भाभी को वादा किया था कि एनिवर्सरी वाले दिन दोनों साथ में ऑर्फनेज जाएंगे अब वादा तोड़ दिया भुगत रहे एनिवर्सरी के दिन कौन लड़ता है जाओ रोको ना उन्हें मैं क्यों पढ़ू दोनों के झगड़े में फाइन मैं ही बात करके आती हूँ कम से कम अब तो सच कह दो तुम तो कभी ऑर्फनेज जाने ही नहीं चाहते थे माला अगर आज ही के दिन जरूरी काम निकल आया इसमें मेरी क्या गलती है जरूरी काम लेकिन आज तो तुम्हारा शो भी नहीं है शो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, है? लिली सच बता क्या आज रॉय की कोई मीटिंग है नहीं आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है लिली आज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है सब 100% कोई मीटिंग नहीं है लिली खुद तो एक नंबर की झूठे हो कम से कम इस बेचारी को झूठ बोलना मत सिखाओ तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं डेली तुमसे झूठ ही बोलता हूँ पता नहीं शायद बोलती भी होगी माला इसके सामने ये सब बोलना जरूरी है जरूरी है इसे भी तो पता होना चाहिए इसकी सर की असलियत क्या है असलियत जॉय चल यू हर्ट माई फीलिंग्स वाला बस हाँ में हाँ ही तो मिलानी थी लिली इट्स कॉमन सेंस सॉरी सर बट एनिवर्सरी के दिन आपको मैडम से झगड़ना नहीं चाहिए शुरुआत उसने की बट प्रॉमिस तो आपने तोड़ा ना सर अरे वो कब से जमुना दास ऑर्फनेज जाने की रट लगाई बैठी है मैं क्या करता मैडम ऑर्फनेज क्यों जाना चाहती है अच्छे से जानते हैं यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स तुम लोगों को क्या लगता है मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ उसके लिए मैंने 2 हफ्ते पहले एक डायमंड नेकलेस का ऑर्डर दिया था सोचा आज एनिवर्सरी है सरप्राइज दूंगा तो यही करते हैं ना सर पहले हार ले आते हैं आप मैडम को हार गिफ्ट कर दो मैडम का मूड ठीक हो जाएगा बट यू हैव टू प्रॉमिस कि आप उनको ऑर्फनेज लेकर ही जाओगे लिली ठीक कह रही है रोहित पहले हार ले आते हैं चल चलिए सर चल तो मुझे बहुत पसंद आई विजय जी सौदा आप पक्का ही समझिए बढ़िया चलिए फिर चलिए विजय जी एक बार मैं टी एस्टेट के कागजात देख लूं तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कागजात तो मेरे वकील के दफ्तर में एक काम कीजिए मेरा ड्राइवर आपको वहां ले जाएगा आप वहां जाके कागजात देख लीजिए ठीक है माफ कीजिए मैं जरूर आता मगर मां बीमार है उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है मणि हाँ सर इन्हें वकील साहब के दफ्तर ले जाओ ठीक है मिलते हैं फिर जी अरे रॉय बाबू जी एक मिनट आप पहले कभी ऊटी आए हैं नहीं तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पहले भी कहीं देखा है आई डोंट नो खैर मिलते हैं சர்க்கஸ்ல வருவர் சர்க்கஸ்ல
इसको मेरे करंट के बारे में कैसे पता? एक बार बता तो दीजिए आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे घर जाना है, कल मेरी शादी है। हाँ, हाँ, कर लेना शादी। हाँ जी, किसको ढूंढ रहे? मैं वो, अरे बाबा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हटो यहाँ से। कहाँ जाना है? इन्हें खुद नहीं पता इन्हें कहाँ जाना है। हेलो जॉय, जॉय रेडी अन्ना, रेडी अन्ना, अच्छा हुआ तुम दोनों इधर ही मिल गया। याद है ना आज हमारा मद्रास कैफे का 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है? हाँ याद है, तुम दोनों को आना। अब दरअसल ना बात है, पार्टी में तुम्हारा वो चाइल्डहुड फ्रेंड वृंदा माँ भी आ रहे हैं। वृंदा भी आ रही है? फिर तो रॉय जरूर आएगा। चलते हैं, वृंदा को भी मिल लेंगे। आते आइए मोहतरमा खुशामदी, आपको यूसुफ का आधा भर जाए। ओह नो थैंक यू, हमको कर्ज नहीं चाहिए। कर्ज? यूसुफ मियां ही हमारे साथ है। अरे रॉय भाई आओ आओ आओ, पधारो पधारो पधारो, क्या राइट टाइम पे आए हो आप हैं? आपका हार हमड़ा मड़ा आया है। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, आई एम श्योर मैडम बहुत खुश होगा, है ना? आप फौरन से पैक कर दीजिए। रॉय साहब, कौन है यहाँ जो हीरे को सही परखते हैं? कौन है यहाँ जो हीरे को सही परखते हैं? आई डोंट नो। अरे शेर बोल रहे हैं। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। वाह वाह यूसुफ बसा। इनके इनके कहने का मतलब यह है कि ये अभी हीरे चमकाए नहीं है, शाम तक मैं चमका के एकदम रेडी करके आपको दे दूंगा। वील जी भाई पक्का शाम तक तैयार कर देना। पाकू बहुत खूबसूरत है ना। अच्छा सुन, मैं बैंक जाकर पैसे जमा कराता हूँ। ठीक है, तो सर्कस में मिलते हैं। मैनेजर साहब। जय बाबू, गुड मॉर्निंग। ये बैंक क्यों बंद है? आपने आने में थोड़ी देर कर दी। कौन मर गया? कोई मरा नहीं, आज सैटरडे है ना, तो बैंक थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। ओ चलिए ठीक है, फिर मैं मंडे आता हूँ। ठीक है। अरे जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। चाहा के साथ केक। हॉस्पिटलिटी। बाबू कहाँ? क्लिफ्टन चर्च चलेंगे। सेंचुरी होटल? नहीं नहीं। अच्छा बैठिए। भाई कहाँ है आपके? वो काम पे बिजी है। अरे अपने वो 50,000 वाला। मैं तो आपकी टीम में हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि घर में छोटे छोटे बच्चे खेलें कूदें, मुझे चाचू चाचू कह के बुलाएं। आपको पता है आपके एनिवर्सरी के लिए उसने हीरो का हार मंगवाया है, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। भाभी आप ना किसी से कुछ कहना मत, वो
ही सरप्राइज है। सरप्राइज? जब वो घर आएगा ना, हम साथ मिलकर उसे बात करेंगे। वो ऑर्फनेज जाने के लिए तैयार होगा और आपको सॉरी भी बोलेगा। तुझे लगता है वो मान जाएंगे? हम साथ मिलके मनाएंगे, मेरा वादा। अरे खाना तो खा कर जाओ। अब रात को चारों साथ में खाएंगे। क्यों चाची? भाभी वो पैसे संभाल लेना। ठीक है। नो द लोकेशन, मिडनाइट ऑपरेशन। यानी? अबे माल का पता चल गया है, रात को आके पैसे लूटेंगे। नाउ बॉय चार्ज। के बाद क्या निशाना लगाया तूने? थैंक यू चाचू, झटका आता है। चाचू काफी एंटीक गन है वैसे। अरे पुरखों की है। रोए तू इतनी जल्दी आ गया? तुझे कहा था कमरे से बाहर मत निकलना, तू कहाँ घूम रहा है? बैग का है। रोए मैं बाहर हूँ, बैग कमरे में सेफ है। वो छोड़, ये बता डील का क्या हुआ? जगह मैंने देख ली, लेकिन तेरे चक्कर में मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर पाया। मेरे चक्कर में? और नहीं तो क्या। एनीवे कल सुबह तक पूरी लेन देन हो जाएगी, फिर चलते हैं वापस। कल सुबह? तो आज शाम बाहर चले डिनर करने। इतना घूम के तेरा मन नहीं भरा? घूम के मेरा? और पैसों का क्या करेंगे? हैंडबैग में ले लेंगे। अच्छा एक बात बता, तूने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? मैं तो बैंगलोर से इन्हीं कपड़ों में हूँ। मार्केट में तो तूने ग्रीन पहन रखा था। मैं होटल से बाहर नहीं निकला, कब से बकीरा चाचू के साथ गोलियां चला रहा हूँ। तो मार्केट में तू नहीं था? नहीं। खा मम्मी कसम। मम्मी कसम? रॉय का फेवरेट रेस्टोरेंट है मद्रास कैफे। तेरा एनिवर्सरी आज, तू तैयार हो जा, मैं ले के आऊंगा खाना। टैक्सी। अरे रॉय नागमणि, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिकार। अरे एक सवारी छोड़िए, दूसरी का इंतजार। नागमणि भाई ये बताओ, ऊटी में सबसे बेस्ट खाना कहाँ मिलेगा? मद्रास कैफे। चलो मद्रास कैफे। नागमणि भाई एक घंटे बाद यहीं मिलना। मद्रास कैफे अच्छी जगह ना? सोच डिकोर ऐसा है तो खाना कैसा होगा? रॉय जॉय, आज तो वृंदम और तुमने खम्माली कर दिया। बाला तुम लोगों का पर्सनली खातिरदारी करना चाहते हैं, मैं अब भी आई।
माला खातिरदारी करना चाहती है, वो भी पर्सनली। मैं बोल रहा हूँ ब्रदर, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, निकलते यहाँ से। अरे रुक, तू खामखा फालतू में ज्यादा सोचता है। जॉय, रॉय, तुम लोग यहाँ पार्टी? निके कुछ लेट वंदटेंगे, निके इन्ना डांस पन्ने करा वृंदम्मा ओड़े। सुबह से हमको परेशान करके तुम दोनों इधर पार्टी मना रहा था, और तू तू दोपहर में बड़ा ड्रामा कर रहा था। मामा लगे सामने डांस करना और तुम दोनों को टीक कर देगा। एक मिनट, मैंने कहा था ना, ये सारी एक गैंग है। ये बुढ़िया इस गैंग की कोई सीनियर मेंबर है और ये माला इन सब की बॉस है। रॉय, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई संभाल लेगा। तुम लोगों को क्या लगता है, सुबह से जो ये नाटक चल रहा है हमें पता नहीं है? हम किसी से डरते वरते नहीं है। तुम जानती नहीं हो कि हम हैं कौन, समझी बुढ़िया? चाची के साथ ऐसा बदतमीजी अच्छी बात नहीं है, समझाओ तुम्हारा भाई को। क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह वाले इंस्पेक्टर, ये हमारे साथ मिलकर जोर जबरदस्ती कर रहे थे, प्लीज अरेस्ट। तुझे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे? चाची ने बोला मुझे सुबह से क्या चल रहा था। I see how it is. तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। Joy, ये सब एक ही गैंग के। But unfortunately for you, हम तुम्हारी प्लानिंग कामयाब होने नहीं देंगे। और भाड़ में गई तुम्हारी वो माला। Roy, बस। माला इसलिए चुप बैठा हो। चुपचाप दोनों गाड़ी में बैठो, चलो। होशियारी कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही लेके आया। होशियारी तो ये सुबह से कर रहे हैं। मैंने कहा था ना सुबह से ये गैंग हमारा पीछा कर रही है। You were right, brother. तेरी मूंछ को क्या हुआ? तेरी मूंछ? नहीं, वो बस ऐसे ही। चाची, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, एक गैंग सुबह से ऊटी में घूम रही है। एक और गैंग? मैं चलता हूँ। को पता है आपके एनिवर्सरी के लिए उसने हीरो का हार मंगवाया है। तुम्हें क्या लगा बैग में छुपा कर लेकर आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अंदर चलो मेरे साथ। मैं क्या कह रहा था,
रख लो और हम बैग कहाँ जा रहा है? सब कुछ तो मेरा है। इतना लंबा घूमने की क्या जरूरत थी? Now Simon,
Go back. Bag को bag दो. चलो हैप्पी एनिवर्सरी. व्हाई सो शॉकिंग मेरी निरूपा रॉय, गिव मी दैट टॉय.
जॉय। जाने दो भाई, उसके पास गाने चला देगी। अरे ये बुजुर्ग लोमड़ी है, इसका निशाना कहाँ से लगेगा? Get out! You chumkada! बैंगो जी, डरने की जरूरत नहीं है। पहला निशाना इतने काक से लगा है। इफ्तिकाक से लगा है। वो अभी राजेश खन्ना का पिक्चर कौन सा है वो? इत्तेफाक। पहला निशाना इत्तेफाक से लगा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यही रुको, बाहर मत जाना। चाची, जान से मत मारना। जान से मत मारना। ईमानदारी की प्रशंसा या फिर तुम्हारे गद्दारी की जय जयकार? आपने ही प्रेम को तुम दोनों का पीछा करने के लिए यहाँ तक भेजा था और इसने भी कुत्ते की तरह सूं सूं कर यहाँ तक पहुँच गया। मायोनस पपी की तरह इसने तुम दोनों की सारी सच्चाई मेरे सामने भोंक दी है। गुड बॉय। आपकी तारीफ कोई नहीं करता। क्या तुम इसे नहीं जानते? नहीं। फिर तो तुम मुझे राय साहब को भी नहीं जानते होगे? नहीं तो। बिंदु को पहचानते हो? रिमेम्बर बिंदु? कौन बिंदु? माय डार्लिंग डॉटर बिंदु। रोए, लगता है ये अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। वो यही कहीं रास्ता भटक गई होगी। शट अप मौजू, फुसफुसाने की एक्टिंग करनी है तो ठीक से करो, सब कुछ सुनाई दे रहा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बिंदु रास्ता भटक गई थी वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन अब हम उसे रास्ता भटकने नहीं देंगे। ठीक है राय साहब, लेकिन ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? तुम्हारा ये सवाल भी तुम्हारे कैरेक्टर की तरह लूज है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे कारनामों की हवस की रोशनी एक दिन हमें अंधा कर देगी। यू चीटर! खा गए ना तमाचा? कितनी बार खाए? जब दो मर्द बात कर रहे हो तो बीच में ढेर हिलाने का नहीं। और तुम भी ऑनेस्ट पपी पर ताकत दिखा रहे हो। राय साहब के सामने बड़े बड़ों के पैंट फिट हो जाते हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम डर के मारे कहोगे कि ये घर तुम्हारा नहीं है। जी, ये घर मेरा ही है। तो फिर तुम ये जरूर कहोगे कि तुम शादीशुदा नहीं हो। मेरी शादी हो गई है। यकीनन अब तुम कहोगे डेफिनेटली कि तुम्हारी कोई बीवी नहीं है। अगर मेरी शादी हो गई है तो मेरी बीवी होगी ना? छी छी छी, बेशरम, शरम नहीं आती एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुक यार। राय साहब, तुम्हें तो बिंदु को धोखा देने के जुर्म में
बेसर पर सेकंड हैंड हंटर से मारना चाहिए था, था, था। रोहित तू बिंदु को धोखा दे रहे। अरे कौन बिंदु, मैं कोई बिंदु को नहीं जानता। राय साहब देख रहे हो, यही है तुम्हारे संस्कार में खोट, और इसकी वजह है तुम्हारी धोखेबाज और फरेबी मां। के बच्चे हो तो दोबारा मारो, ट्राई इट। राय साहब चले। कौन था ये नमूना? अरे छोड़ उसको, चले काम करते हैं, अंदर छलांग मार के चलते हैं। तू छलांग मारेगा और अपने घर में चोरों की तरह जाएंगे? समझ माला क्या कर रही है, जानबूझ के लाइट ऑफ कर रखा है उसने, सुबह का बदला ले रही है मुझसे। अरे वो ऐसा क्यों करेंगी? छोड़, आज रात कहीं और गुजार लेते हैं, वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है, सुबह हाल लेके लौटेंगे। चल रोए ना, कपड़े ना कुछ, और पता है नींद अलग आ रही है। नींद आ रही है, भूख लग रही है, रोना बंद करेगा तू कभी? यार तू कभी मेरी बात नहीं मानता। तू मानता है मेरी बात? चलो भैया उस गाड़ी का पीछा करो, चलो। बड़े आदमी लगते हो साहब, डॉक्टर हूँ तो सुबह से मुझे फालतू का इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? किधर तो जाओ, कल मेरी शादी। शादी है जानता हूँ, फिलहाल चलो ना तुम, चलो चलो चलो। जब मोमो की बेइज्जती का पता चलेगा।
पूरे ऊटी में खबर फैला दो कि बॉस्टर दादा एक साल बाद काली पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। ये, ये, ये। सेवा करूं थारी? सेवा नहीं, हमें दो कमरे चाहिए। भाई साहब, हमारे पास तो सिर्फ एक ही कमरों है। सिर्फ एक कमरा? ओफ, कैसी थर्ड क्लास जगह पकड़ के ले आए हो तुम हमें प्रेम? इतने बड़े होटल में सिर्फ एक ही कमरा? सर, एक मिनट। अरे ओम, प्रेम जनक होने में आओ। देखो तुम मेरे सालों से राजदार, ईमानदार, वफादार मुलाजिम रहे हो, नो डाउट, बट ये जो हादसा हुआ है ना, इसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। प्राय साहब, फेथफुली स्पीकिंग, मैंने आपका नमक खाया है। या, या, या। मैं वादा करता हूँ कि ये राज आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। आ जाओ बेटा, चलो चाबी मांगो प्लीज। भाई साहब, मन्ने थारा ये लेफ्ट गाल कुछ सूजे सूजे से क्यों लगी? दो थप्पड़ खा के आ रहे हैं, वो भी कस के। एक मुझे भी पड़ी, लेकिन जो इनको पड़ी ना, उसकी गूंज ऊटी की वादियों तक सुनाई दी है। चुप। स्लो, स्लो, बस। साहब, मैं चलूं? अरे रुको, शादी तो कर लेना। आप डॉक्टर हो ना? हाँ। अरे तो पहले खुद का इलाज करो। आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको घूमने का बीमारी है। कुछ नहीं, शक्ल देख के तो लगता नहीं आपने शादी की होगी। नहीं की। हाँ, इसलिए मेरी भी नहीं होने दोगे। ये लो आपका सामान, मैं जा रहा हूँ। भाड़ में गया आपका भाड़ा। बदतमीज, कुछ भी याद आ गया से। तू इलेक्ट्रिक बैंड से? जी, आपने सही पहचाना। ओ भतीजे, मुझे तो बहुत बढ़िया बनवाई, एकदम प्रदीप कुमार लागे से। अच्छा भाई साहब, एक बात बता, थारो तो इस शहर में मकान से, तो फिर होटल में रात गुजारने क्यों आ गए हो? बीवी से झगड़ो हो गए हो के? रोए भाई साहब, हमें कमरा चाहिए। हेलो, कमरा नंबर? अरे भूल गए हो क्या? रोए, यहाँ पे तो किसी और का सामान पड़ा है, लगता है इन्होंने गलती से हमें किसी और का कमरा दे दिया है। छोड़ना, कोई आएगा तो देख लेंगे। आ जा, सो जा। डैडी, रॉय ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हमने उसका घर अपनी आंखों से देखा है बिंदु। आई हैव सीन इट विद माय ओन ब्यूटीफुल आईज डार्लिंग। डैडी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करो, पहली ट्रेन पकड़ करके ऊटी जाओ, बाकी तुम्हें प्रेम समझा देगा कहां आना है। प्रेम प्लीज, मेरे इस हादसे के बारे में बिंदु को कुछ मत बताना बेटा। सिंसियरली स्पीकिंग राय साहब, मैंने आपका केला खाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, बिंदु को कुछ पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है। माय ऑनेस्ट पपी, कैरी ऑन। जी बिंदु मैडम, हम लोग सेंचुरी होटल में रुके। प्रेम, एक बात बताओ, क्या डैडी सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है रॉय जॉय और उनका घर, विद माय ओन ब्यूटीफुल आईज। और जब राय साहब ने उसका पर्दाफाश किया, तो उसने राय साहब को कुत्ते की तरह मारा है। क्या? इतना मारा कि उनका एक गाल कश्मीरी सेब और दूसरा गाल स्टीम्ड इडली लग रहा है। बिंदु मैडम, स्टीम्ड इडली। प्रेम, डैडी का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। नॉनसेंस, हजार कुत्ते मरे होंगे तब जाके तू पैदा हुआ होगा, इसीलिए तो इतना वफादार हूँ। Shut up! Go and sleep in the toilet, you moron!
bloody Los Tejas people. I hate them. देते हैं हम वो मुसाफिर हैं जो अक्सर दिखाई देते हैं रास्ते गवाह हैं लेकिन कब तक गवाही नहीं देते हैं वाह वाह ये रखिए ये क्या है आपकी अमानत आपका हार हार हमारा कोई हार वार नहीं है शुभ शुभ मजा दोपहर को करेंगे चलेगा आप भी मैं चलता हूँ बेगम के उठने का वक्त हो गया है अगर वक्त से चाय नहीं दी ना तो बेगम तुम्हारी पिटाई हो जाएगी ये रखिए अरे नहीं नहीं अरे 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 भाई साहब अरे भाई साहब भाई जोए कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में मेरा कोई हमशक्ल है और ये तूने कर्नल विक्रांत के कौन से नॉवल में पढ़े आई एम सीरियस जोए चल माना तेरा हमशक्ल है मेरा भी हमशक्ल होगा क्या और ऊपर से दोनों के सेम नाम ऐसा कभी होता है क्या यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक काम करते हैं पहले होटल चलते हैं और फिर पहली ट्रेन पकड़ के निकलते हैं यहाँ से और इस हार का क्या जाते जाते पुलिस स्टेशन में दे देंगे और अपनी डील अरे फाड़ में गई डील चल नाग मनी आप यहाँ ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए बाबू कल रात आपको मद्रास का पे छोड़ा आप रात भर गायब रहे मुझे इंतजार करवा के आप अब यहाँ से निकल रहे हैं बड़ा ना जाना लगा है आपका यहाँ वैसे रखा कैसा इस घर में अरे नागमनी लंबी कहानी है बाद में बताएंगे पहले आप हमें सेंचुरी होटल छोड़ दो लेकिन आप वहाँ रहने नहीं वाले अरे नागमनी अब तो हमें शहर में ही नहीं रहने वाली चलिए अच्छा अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हो एक काम करते हैं पहले भाभी को हार दे देते हैं अपने आप सब ठीक हो जाएगा लेकिन भाई तू ही बता माला को ऐसा करना चाहिए था ऐसे दरवाजा नहीं खोलना लाइट ऑफ कर देना छोड़ ना बाबा रात गई बात गई है अभी भिजवा वो देख रात वाले अंकल यार मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है ऐसे बुजुर्ग आदमी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो सॉरी बोल देते हैं साथ ही नाश्ता भी कर लेंगे अब नहीं डरिए मत कल रात गुस्से में मैंने आप पर हाथ उठा दिया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाह रहा था आई एम सॉरी तो इस कलाकृति के पीछे थारो हाथ से जी आपको आपकी बेटी मिल गई जो अपनी डर्टी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया अंकल अंकल आपका गुस्सा होना जायज है अरे जिस इंसान की एक रात पहले इतनी बेइज्जती से पिटाई हुई है उसे गुस्सा तो आएगा ही क्यों भाई साहब सही बात है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें रात में क्या कहा था क्या कहा था जस्ट शट अप तुम जब से तुमको पता चल चुका है कि मेरी लवली डॉटर बिंदु यहाँ आने वाली है तो सॉरी का बहाना कर रहा हूँ सॉरी गया ऊटी के खाई में देखिए मैं आपसे यही कहना यही कहना चाह रहे हो ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तुम्हारा घर नहीं है वो तुम्हारी बीवी नहीं है यही कहना चाह रहा हूँ फिर वही बात कल रात से मैं आपको वही तो समझाना चाह रहा हूँ वो मेरा घर है वो मेरी बीवी है माला मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरा भाई है आपको यकीन नहीं हो रहा इनसे पूछ लीजिए वो सही कह रहे हैं भाई साहब आपको कुछ गलतफहमी हो गई है बिलो स्टैंडर्ड अब तुम भी इसका साथ दे रहे हो मोगली के चाचा और तुम मैंने पूरी जिंदगी तुम जैसा घिनौना और वल्गर इंसान नहीं देखा देखिए राय साहब नहीं देखे वेखे नहीं तुम घटिया हो तुम भी घटिया हो तुम भी घटिया और सबसे ज्यादा घटिया तुम राय साहब ना राय साहब का तेल बेच रहे तुम दोनों खानदानी फ्रॉड हो और सबसे ज्यादा फ्रॉड जाते हो कौन है तुम्हारी माँ नहीं बुद्धा
शागिर्द बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि मैंने उनकी बेटी बिंदु को धोखा दिया जबकि मैं कोई बिंदु को जानता तक नहीं, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तूने शादी कर ली, तेरी एक बेटी भी है, तूने उसका नाम बिंदु रख लिया। नहीं, मैंने शादी नहीं की। तेरी बेटी तो है। अरे शादी नहीं की तो बेटी कहाँ से आएगी? तो बिंदु किसका नाम रखा तूने? नहीं मालूम। ये बिंदु कौन है? कौन है बिंदु? बिंदु कौन है? अरे भाई साहब, हम इसकी नहीं राय साहब की बात कर रहे हैं। इस कार्टून को तो हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार? अच्छा, पोलसन दादा को देख के बात को पलटा रहे हो? अरे देखो ना, देखो, पोलसन दादा को देख के डर गया। क्या हुआ? ये करंट मारता है। अरे इन सर्कस वालों के कर्तव्य सिर्फ धोखा है रे। धो चुप बैठो। अरे दादा, पहली बार नहीं, दूसरी बार लगता है। अरे हट, मैंने सोचा आज बिजली के खंभे से टक्कर होगी, लेकिन तो जीरो वोल्ट का बल्ब निकला रे। बल 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 लप्पू बल्ब। ये जीरो वाट का बल्ब नहीं है, ये वाट लगाने वाला बल्ब है, इलेक्ट्रिक मैन। अरे छोड़ रे, इलेक्ट्रिक मैन छोड़े तो इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है, ढोंगी है, लोगों की आंखों में थूल झोंकता है, एक नंबर का भांड है। भांड भांड। चले चल, बस बहुत हो गया, जल्दी से पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। सही है। मैंने थारे से ज्यादा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। एक मासूम लड़की को धोखा देते शर्म ना आई? मासूम लड़की? ओ बगीरा जी, आप उसके मासूम चेहरे पर मत जाइए। वो यहाँ के गैंग की लीडर है, माला। चीज है डॉन। अरे अपनी लुगाई को डॉन बोल रहा है? अरे मैं माला की नहीं, बिंदु की बात कर रहा है।
आप बिंदु को कैसे जानते हो? हम बिंदु को कैसे जानते हैं? बिंदु बिटिया, तू क्या जाने? तुम इतना गिर सकते हो? तुम पिछले 5 सालों से शादीशुदा हो, तुम्हारे यहाँ अपना घर है और तुम्हारी बीवी का नाम माला है। नहीं नहीं बिंदु, तुम्हें भी बगीरा जी की तरह गलत फहमी हुई है। वो मेरा घर नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, माला मेरी बीवी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो जवाई से पूछ लो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी डैडी पर हाथ उठाने की? मैंने कब क्या उठाया? मैं तो इन्हें अभी मिला हूँ। झूठ, तुमने इसको कितनी बेरहमी से पीटा है, ये खुद डाकू बकीरा ने देखा है। डाकू बकीरा ने चने के खेत में, यू जस्ट टेल मी, तूने देखा या नहीं? अरे मैं ही हूँ डाकू बकीरा। शाबाश मेरे सस्ते टाइगर, एंड यू राइट बिग बॉय, विद इन 30 सेकंड मेरे पीछे बिंदु के सामने तुम्हारी असलियत खुल के आ गई। अरे कैसी असलियत बिंदु, मेरा यकीन करो, कल रात एक गैंग ने हमें किडनैप कर लिया था और उस गैंग की बॉस का नाम था माला। अब ये कौन है? होगी इसकी लेटेस्ट हवस की शिकार। आप एक मिनट चुप रहेंगे? आप कौन है बहन जी? बहन जी मैं, ऑफ कोर्स, आपको अपना वाइफ याद नहीं है तो हम कैसे याद रहेगा? आई न्यू इट। सो बिलीव नहीं होता, आपने अपना नया गर्लफ्रेंड के लिए अपने पुराना वाइफ को डॉन बना दिया। माला इन्हीं की वाइफ है। बिंदु मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। अच्छा, तो ये भी नहीं जानते होंगे कि ये हार आपने माला मैडम के लिए लिया था एज योर 5th wedding anniversary gift। अरे ये हार तो हमें एक अनजान आदमी ने रास्ते में पकड़ा है। Shut up, you liar, scoundrel, psycho। तूफान में कश्ती और इरादों में मस्ती इंसान को डुबो देती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब तुम्हारी कश्ती डूब चुकी है। मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ रही। ना बिंदु ना। गुड कॉल बेबी डॉल। अब देखना, मैं तुम्हारी ऐसा लड़का लाऊंगा जो मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट हो। यस बेबी डॉल, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड फैमिली, इनकी फैमिली की तरह नहीं। राय साहब ऐसा घराना चला तुम जैसे होपलेस, कैरेक्टरलेस, मैनरलेस लड़कों की पैदाइश ही नहीं होती। राय साहब साहब का तेल लेने तुम दोनों की परवरिश में ही खोट है। उसकी वजह है तुम्हारी वो ढोंगी, पाखंडी, खमंडी, नक्चड़ी माँ। माना कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाएंगे। मैंने अपने इन्हीं हाथों से वो हार इनको सौंपा था। बोलो, मैं तो कहता हूँ राय साहब, करंट खा खा के आपके दिमाग के सारे तार हिल चुके हैं, इसीलिए लगता है आपकी याददाश्त चली गई है। यूसुफ भाई, आपने ना बहुत गलत दिन चुना है उलझने का। दो लोग सुबह से पिट चुके, कहीं तीसरे आप ना हो। आप एक काम करो, आप इधर आके बैठो। नहीं, नहीं, आप आके बैठो ना यूसुफ भाई। बैठ ले भाई, तू बैठ ना। जी भाई, एक मिनट। मुझे कहाँ बैठना है? बैठ बैठ ना। बैठो। एलजी भाई, आप हमारे पिताजी को जानते थे? जी। आप हम दोनों को बचपन से जानते हो? जी हाँ। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे एक सर्कस है? हाँ। फिर भी आपको लगता है एक हार के पीछे हम ऐसा करेंगे? लेकिन यूसुफ भी तो हमारा पुराना शायर है, मुलाजिम है, वो एक हार के लिए क्यों झूठ बोलेगा? आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला लीजिए, समझ आ जाएगा सारा माजरा क्या है। हम दोनों सर्कस जा रहे हैं,
आपको हार के बारे में कुछ भी मालूम चले आप वहीं आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है। रोए, लिली की स्टेज पे एंट्री थी पर वो तो यहाँ है ही नहीं। क्या माला, तुम दोनों ऐसे ही निकल गए तो मैं ही यहाँ चली आई। सोचा कि तुम्हारे शो के बाद हम सब साथ मिलके खाना खाएंगे, क्यों जॉय? ये सही है। माला, कल रात वो सब बाद में। अरे भाभी, आप भी यहाँ? देखिए, आपको एक नए मेहमान से मिलवा लेना है। ऊपर वाली की दया से हमें लड़की हुई है। बहुत खूबसूरत है। बहुत वहाँ पे गई है ना? नाम क्या रखा है? अभी रखा नहीं। वो तो डॉक्टर के यहाँ से हम आ रहे थे तो सोचा रास्ते में तुमसे मिला दूँ। इसे लो और घर जाओ। यू गो होम। और रॉय, मेरा एक्ट का टाइम हो रहा है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हारी एंट्री अभी, कम ऑन। अरे यार, ये लिली कहाँ रह गई? मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ माला? मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन जहाँ एक तरफ मेरा ये माँ का मन बच्चे को तरसता है, वही दूसरी तरफ एक डर है कि मेरी मां ना बनने की वजह से तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ ना चले जाओ। तुम कैसी बातें कर रही हो माला? दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो, और एक बात तय है कि हम दुनिया के बेस्ट माँ बाप बनेंगे। हम अपने जाएंगे। सच सच माला, लेकिन आप कौन है? आप कौन, ये कौन, वो कौन, एक ही सवाल पूछ के बोर नहीं हो गए तुम? उठी क्या उठपटांग? अब तुम जल्दी से पूछोगे कि हम कौन? Ask me, हरिया भैया। तुम कमीनों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये कौन है? इसने अपनी थर्ड ग्रेड एक्टिंग फिर से शुरू कर दी, देखा बिंदु बिटिया? बिंदु, तो आप है बिंदु? शुक्र है कि आप मिल गई। आपके चक्कर में आपके डैडी ने मेरे हाथ की बहुत मार खाई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? माला सामने है तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे। Didn't I tell you my darling daughter? वो तो अच्छा हुआ डाकू फकीरा ने हमें यहाँ बुला करके तुम्हारा सारा हकीकत दिखा दिया। अरे फकीरा नहीं, डाकू बघीरा। Whatever, चल चीरा। माला, रॉय ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। क्या क्या क्या? या माला, तुम्हारा हस्बैंड लिटिल बिट ऑफ नॉटी है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, देखना एक दिन इसे भी कुत्ता काटेगा। ओए, 3 मिनट पे तेरी एंट्री है। अरे आ रहा हूँ आलिम भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ पे? मैं बताती हूँ माला, रॉय हम दोनों को धोखा दे रहा है, और अब समझ आया क्यों? तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहती थी ना, ताकि एक बार तुम्हारा अपना बच्चा हो जाए तो तुम उसे माला की गोद में रख सको। माला, ऐसा कुछ नहीं है। रॉय, ये क्या कह रही है? माला, मेरा यकीन करो, मैं जिंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ इस औरत से। मैडम, आप क्यों इतना झूठ बोल रही हो? झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। यकीन नहीं आता तो जॉय से पूछ लो। जॉय? जॉय से क्या पूछ लो, मैंने तो आपको आज तक देखा तक नहीं है। गुड वन बेबी डॉल। तुम भी अपने भाई के साथ मिले हुए हो? भाभी झूठ बोल रही है ये। माला, गुड वन माला बस्टर्ड बलून। तो मेरा शक सही था, मुझे बच्चा नहीं हो सकता तो तुम बिंदु के साथ शादी करने वाले थे। माला, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बच्चा ही चाहिए था तो ऑर्फनेज चले जाते। यही बात मैं भी इन्हें कहते कहते थक गई। दोनों छोरियों के विचार कितने मिलते जुलते। बिल्कुल, बोल्स अपार्ट।
सिनेमैटिकली स्पीकिंग राय साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है। और फिल्म का नाम है बुलबुल अटैक मी। आप है मुझे मार। दोनों बाप बेटी पागल हो गए। शट अप, पागल होगा तू। हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून। रॉय, लिली कहाँ थी तुम? कहाँ थी ये छोड़, कहाँ जा रही है ये पूछ। ये कह रही है ये हमारे साथ काम नहीं करेगी। अब तुम्हें क्या हुआ है? जब मैंने आप दोनों को होटल में देखा तभी डिसाइड कर लिया था मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। होटल में? मैडम, जैसे मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ वैसे आप भी ये मैरिज छोड़ दो। वाह, शाबाश 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 एंड डबल शाबाश। वेल सेट माय बिली। लिली, ओके जस्ट चिलिंग। रॉय, देर हो रही है। यू शट अप ह्यूमन लॉलीपॉप एंड योर डॉटर्स बिंदु चिली एंड माला। कौर से देखो इस इंसान को, आई एम श्योर इस जैसा भेड़िया फिर से बच्चे का बहाना बनाकर किसी इनोसेंट औरत को अपने हवस का शिकार बनाएगा। देखिए फिर से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। शायद आप किसी मासूम बच्ची को बहलाकर फुसलाकर उसकी जिंदगी खराब करेगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुप हो जाइए। आप कह रहे हैं शट माय लाउड माउथ, क्योंकि जब तक तुम जैसा दरिंदा खाली पेट सड़कों पे घूम रहा है तब तक माला बिंदु और ग्रीन चिली कोई महफूज नहीं है। लेकिन ये बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ और अपने लास्ट ब्रीथ तक कहूंगा, क्योंकि इसकी वजह है तुम्हारी ब्लैकलिस्टेड, पॉइजनस, इंजूरियस, एरोगेंट मार। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है बाबू। ऐसा क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन जाने से पहले आपको अचानक पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है? अरे क्योंकि हमें ये हार लौटाना है। बड़ा अजीब शहर है आपका, कभी कोई सड़क पे हार पकड़ा जाता है, कभी कोई लूटने आ जाता है, कभी कोई कहता है हमने आप दोनों को पहले कहीं देखा है। सच कहूं बाबू, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अब तुम भी मत शुरू हो जाओ यार। अब क्या हुआ? क्यों पड़े हुए? आपने रामो शाम देखी है? अरे आपके हम शक्ल है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दो राम और दो शाम?
भी इस सड़क पे हमारे पोलसन दादा के सेल्फ रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट किया। उसका बदला लेने आए हम लोग। हमने? हाँ। हम तो पहली बार मिल रहे हैं इनसे। झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों को मैं अपनी आंखों से देखा है। देखा नहीं हूँ मैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने शायद हम दोनों के हमशक्लों को देख लिया है। हाँ बाबू, इनके हमशक्ल हैं। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। चलो इनके हमशक्लों को ढूंढते हैं। लेकिन उनको हम पहचानेंगे कैसे? पोलसन दादा हमशक्ल, मतलब सेम शक्ल। अरे काहे का सेम शक्ल? पोलसन दादा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मंगेतर से आपका हार यूसुफ ने इनको दे दिया। यूसुफ, तू
खाना घर में भी बाहर निकालने के लायक नहीं है। अर्ज किया है। चुप बैठ, बैठ जाओ काका, बैठ जाओ। डार्लिंग डॉटर्स, ये प्रूफ है कि हमने जब भी जहाँ भी मार खाई है इस हार्मफुल क्रिएचर से खाई है, बट नो ऑफेंस, क्योंकि मेरा डार्लिंग दामाद गोल्ड है, प्योर गोल्ड, 36, 24, 36। अंकल, होटल में जिसने आपको कर्ज के तमाचा मारा था ना, वो आपका सनी लॉय था। Shut up, Prem. Sir, कल कितने बजे आऊं? अच्छा बेटा। Sorry, हाँ, वो मद्रास कैफे में हमारा चॉइस समझ के हम तुमको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? It's okay. I'm sorry for the way I behaved with you. It's okay. And I'm really sorry मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। It's okay, जो थप्पड़ मारा उसका क्या? उसके लिए भी ना सॉरी बेबी। और मुझे भी तो मारा। Yes, yes, I'm sorry everybody. कल रात कमरे में जो हुआ, I'm sorry, मुझे। It's okay. कमरे में क्या हुआ? कमरे में क्या हुआ? हुआ क्या कमरे में? बताओ ना, कमरे में क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ। Don't let him go, baby. अरे सच, कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, वो क्या है कि गलती से कल की कन्फ्यूजन में चाची हमें आपके घर ले गई और हम आपको गैंग की लीडर माला डॉन समझ बैठे। माला डॉन? हाँ, वो सब इसके कर्नल विक्रांत के नॉवेल्स पढ़ने का नतीजा है। कर्नल विक्रांत? कर्नल विक्रांत? आप कर्नल विक्रांत को नहीं जानते? माई फेवरेट राइटर। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी फेवरेट राइटर तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी है। ये ही है कर्नल विक्रांत। आप कर्नल विक्रांत हो? जेंडर चेंज। जी हाँ, मैं ही हूँ कर्नल विक्रांत। ओ माय गॉड, कर्नल विक्रांत, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। मैं कब से आपसे मिलना चाहता था। अब मिलिए ना। वेरी गुड। एक मिनट, आप मेरी फेवरेट राइटर। एक मिनट रॉय, तुम्हारी शक्लें मिलती है ये बात तो जम गई, लेकिन तुम्हारा नाम भी सेम, दो रॉय दो जॉय, ये कैसे? मैं बताता हूं डॉक्टर अंकल, सच तो ये है कि तुम दोनों और तुम दोनों सगे भाई हो। दूसरे से अलग रखा, इतने सालों तक इतना बड़ा सच छुपाया, आपको लगता है आपने ये एक्सपेरिमेंट करके हमारे साथ ठीक किया? नहीं रॉय, एक्सपेरिमेंट नहीं, मैं तुम चारों के जरिए दुनिया को वो सच बताना चाहता हूं जो वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। लोग जात धर्म खून को परखने में इतना जुट गए हैं कि उसके पीछे छुपे इंसान को वो देख ही नहीं पाते। तुम ही मुझे बताओ, ब्लड बैंक के बोतलों पर क्या ये लिखा होता है कि ये किसका खून है या कौन से मजहब का है? बस यही साबित करने के लिए रुका था मैं कि जब दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों का खून एक ही होने के बावजूद
तुम्हारी परवरिश अलग अलग घरों में हुई है जिनका तुम्हारे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम चारों इतने काबिल इतने होनहार निकले, तब उन्हें ये बात समझ आएगी कि मायने सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। हो सकता है शायद दुनिया का उन अनाथ बच्चों को देखने का नजरिया बदल जाए, शायद। तो आखिर में रॉय और माला ने बच्चा गोद ले ही लिया। कुदरत भी क्या खेल खेलती है, जिंदगी भर मैं अपने खून की रट लगाता रहा और आज अपनी कहानी से जाना कि इंसान का चरित्र वाकई खून से नहीं परवरिश से बनता है। आज तो दुगनी खुशी का दिन है, मैं चाचा भी बन गया और हमें माँ भी मिल गई। आज हमारा परिवार पूरा हुआ। अंकल, हमने सुना है कि यहाँ पे खाना पीना फ्री है और सोने और रहने का भी बंदोबस्त है। क्या हमें 5 कमरे मिल सकते हैं? नहीं तो 4 में भी एडजस्ट कर लेंगे। क्या? इसके कहने का मतलब है हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? नाम क्या है आप सबके? मेरा गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण, लकी। अरे वाह, गोल, माल, गोपुल। आइए, आपके कमरे तैयार हैं। लड़की देखो ये करंट मारती, अगर ले आशिकी।